चलिए, जी तो यशवंत जी, चमन बहार फिल्म में आपका क्या किरदार है? देखिए, चमनवाल फिल्म में मेरा एक पान ठेले वाले का किरदार है जो कि कत्था चूना लगाता है और अपने दोस्त जीतू भैया यानी कि जो बिल्लू हैं उनको ही चूना लगा के एक बहुत ही खराब सी लोकेशन पे दुकान बेच देता ये फिल्म आपको मिली कैसे? है। जी, इस फिल्म के मिलने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया था शुरू में और मैंने ऑडिशन दिया था तो उस समय तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन उस समय मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन उस फिल्म में हो चुका था। जैसे कि इसमें जो नीरज है वो जिसने ठाकुर का रोल किया, आपने फिल्म देखी होगी, तो वो मतलब उस समय जब ऑडिशन दिया था उसका सिलेक्शन हो चुका था, फिल्म में एंटर था। तो जिस समय वो फिल्म की तैयारी कर रहा था तो उस समय उसने मुझे फोन किया राखी से कि एक रोल खाली है, तू आ जा ऑडिशन दे। मैं गया, मैंने फिर से ऑडिशन दिया तो उस समय सामने हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने मुझे देखा और जिस तरीके का मेरा लुक था उस समय तो उन्हें शायद मेरा लुक पसंद आया। और जिस करेक्टर मतलब हुआ ये था कि जिस करेक्टर के लिए मैं ऑडिशन देने गया था वो करेक्टर तो मुझे नहीं मिला, उसके बदले मुझे जो करेक्टर नीरज करने वाला था मतलब दिनेश का करेक्टर, वो करेक्टर मुझे मिल गया क्योंकि शायद मेरा लुक सर को बहुत ज्यादा पसंद आया उस करेक्टर हिसाब से। और जिस करेक्टर के लिए मैं ऑडिशन देने गया था यानी ठाकुर के लिए, वो उन्होंने नीरज को दे दिया। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ भी था कि वो जो ठाकुर का करेक्टर था वो कम दिनों का था और दिनेश का ज्यादा दिन का था, तो नीरज मेरे ऊपर गुस्सा हो गया था कि अब ठीक है चलता है ऐसे। चलिए, ये फिल्म वैसे 2018 में शूट हो गई थी, पर हाँ इस फिल्म को रिलीज होने में इतना वक्त कैसे लग गया? देखिए, फिल्म तो 2018 में शूट हो चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं कि फिल्म की रिलीजिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखकर फिल्म को रिलीज की जाती है, और यह अपूर सर की पहली हिंदी फीचर फिल्म है तो कहीं ना कहीं वो एक सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो शायद यही वो सही समय था और लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है तो अच्छी बात है कि फिल्म अभी रिलीज हुई और ये बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। और जी, जैसे आपने बताया, फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और ये तो सच है, क्योंकि ये फिल्म इस वक्त सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म है, और जी हाँ नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग पे चल रही है ये फिल्म। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं जीतू भैया, जी जिनकी हाँ और हिट फिल्म्स कुछ समय पहले आ चुकी है, और उनके साथ इस फिल्म में आपने काम किया है, लगभग आपके सारे सीन्स उनके साथ हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कैसे एक्टर हैं, आपको कैसा लगा, आपने उनसे क्या सीखा? देखिए, वो एक्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, कमाल के एक्टर हैं और बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं अगर मैं कहना चाहूँ तो, क्योंकि उनकी आंखें बोलती हैं और बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम एक्टर हैं जिनकी आंखें बोलती हैं। और अगर बात आप करें कि एक्सपीरियंस की तो मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं वो पान ठेले वाला सीन कर रहा था अगर आपको याद होगा, जिसमें मैं पान बनाते बनाते घंटी बजाता हूँ और वो सारे सीन मेरे जीतू भैया के साथ में ही है। तो हुआ दरअसल ये था कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया था, मुझे पूरे डायलॉग याद थे क्योंकि तो सामने जीतू भैया, तो मैंने अपनी पूरी तैयारी रखी थी कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो। जब मैं लोकेशन पे पहुंचा, स्पॉट पे पहुंचा, तो हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर ने सामने एक घंटी टांग कर रखी थी, तो उसे देखकर मुझे मतलब मैंने उनसे पूछा कि सर ये घंटी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तुमको पान लगाते हुए घंटी बजानी है। तो मुझे लगा ठीक है, बहुत ही इजी सा काम कर देंगे, तो लेकिन जैसे ही एक्शन हुआ उसके बाद मैं पान में और घंटी में फंस गया और तीन चार टेक हो गए और सामने जीतू भैया भी थे तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था वहां पर। तो उसके बाद फिर जीतू भैया ने कहा कि भाई तू इतना टेंशन मत ले, आराम से कर, हो जाएगा। तो वो बात मुझे आज भी याद है और उसके बाद मैंने अगले ही टेक में अपना ये सीन कंप्लीट कर दिया था, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। तो कहीं ना कहीं जीतू भैया एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने को एक्टर को बहुत ही अच्छा फील कराते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपने भी बहुत ही उम्दा काम किया है इस फिल्म में। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी और कौन सी फिल्में आने वाली हैं?
देखिए आने वाले समय में शायद इस साल मेरी एक फीचर फिल्म है फोरसम, जो नीरज पाल सर की है, तो वो अभी काफी सारे फेस्टिवल्स में घूम रही है। उसके बाद हमारे दुर्ग के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर मतलब जिनका छत्तीसगढ़ में पूरे देश में काफी अच्छा नाम है, तुषार वाघेला सर, उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म द ग्रे, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल है। उसके बाद मेरी एक लॉन्ग शॉर्ट फिल्म है सुगंधा, तो वो भी इस साल के अंत तक शायद किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल सकती। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए बॉलीवुड में कितनी संभावना है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे अच्छे जितने भी कलाकार हैं जो लगातार काम कर रहे हैं थिएटर में और रंगमंच से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि आज बॉलीवुड में जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे शहर से हैं, कहानियां छोटे शहरों की है, कलाकार छोटे शहरों से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकार बॉलीवुड में और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।